डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और नया कॉन्सेप्ट, जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, स्कोप ये क्या है, और सिग्निफिकेंस। देन हमने क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कैसे डिफरेंट है, और जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव उभर कर आता है। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार कंटेंट ऑफ डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के सेलियंट फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव केम इनटू द पिक्चर। तो हम उसमें वेरियस फैक्टर्स देखेंगे कि न्यू राइट फिलोसफी, वॉशिंगटन कंसेंसस, इसके बाद से न्यू लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इन सब का प्रभाव था जिसकी वजह से हमें जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के रूप में लाना पड़ा। ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद से फिर हम देखेंगे कि जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लाया गया एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसके प्रभाव क्या पड़े, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स। देन हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि ये कहाँ तक बेसिकली सक्सेसफुल रहा है लोगों को जस्टिस देने में, लोगों के साथ सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, या वेलफेयर स्टेट या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करने में लिए, और कहाँ ये फेल रहा है। तो हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे, और लास्ट में हम अपने जो ये टॉपिक है उसको कंक्लूड करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कशन। सो शुरू करते हैं हम अपने पहले सब टॉपिक से, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को समझने से पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट केम इन टू द पिक्चर, जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की ज़रूरत एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के रूप में फील की जा रही थी, तो क्या कॉन्टेक्स्ट था उस टाइम, क्या सिचुएशंस थी, क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस चल रहे थे, या क्या डोमेस्टिक पॉलिसीज में चेंज चल रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट को पहले समझेंगे। तो आपको पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे प्रभाव पड़े। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे एरियाज को ह्यूमन एस्पेक्ट में टच किया। ग्लोबलाइजेशन आपका सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है गाइस, इतना ध्यान रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं इस पर मैंने ऑलरेडी IR का एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे डिटेल में देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली सिर्फ इकोनॉमी तक ही लिमिटेड नहीं था। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हर एक क्षेत्र पर पड़ा जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मार्केट हो, कुछ भी, कोई भी एजुकेशन है, हेल्थ है, हर फील्ड में ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आज जिसे हम कहते हैं ना मैकडोनाल्ड कल्चर हो गया, डोमिनोज कल्चर हो गया, ये सब ग्लोबलाइजेशन के ही प्रभाव है ना। हम जो हमने कल्चर एडॉप्ट किया है, ये सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी को शेप करने में, जिस तरीके से 21st सेंचुरी को आज हम देख रहे हैं, इस पर ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आज आप जूम मीटिंग, गूगल मीट से दुनिया भर में किसी भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया भर में कहीं पे भी इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन्हें ग्लोबलाइजेशन नहीं पता है उनको मैं पहले ये समझा दूं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली ये क्या है, एक प्रोसेस रही है, और वो कौन सी प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। इंटरडिपेंडेंसीज मतलब जो वेरियस नेशन स्टेट हैं दुनिया भर में, जितने भी नेशन स्टेट हैं, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, चाइना, कोई भी आप नेशन को ले लो, इनकी जो इकोनॉमीज है वो इंटीग्रेट हुई, मतलब ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस हुए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। और इसका प्रभाव, जब ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस हुए, इकोनॉमी इंटीग्रेट होती हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो इनके बीच में
ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, इनकी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो इसका प्रभाव दूसरी सेगमेंट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ता है। जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ रिलीजन, ये सारी चीज़ें भी लोग एक्सचेंज करते हैं और इनके ये भी मिक्सअप होता है। और इस चीज़ को जो ये इंटरडिपेंडेंसीज है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर है, इन सबको फैसिलिटेट किसने किया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से एडवांसमेंट हुए थे, इंटरनेट कनेक्शंस, फिर इंटरनेट कनेक्शंस के बाद दुनिया भर में जिस तरीके से लोगों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट किया, इसकी वजह से ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, इंटरलिंकेज है या इंटीग्रेशन है, इसको और फैसिलिटेट किया, मजबूत किया। तो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन जो हुआ था, इसकी वजह से जो ये बाउंड्रीज हैं कंट्रीज के बीच में, वो क्या हुई थी? ब्लर हुई थी। मतलब बहुत एक तरीके का ग्लोबल एक विलेज के रूप में बन गया। आज आप दुनिया भर में लोगों से कनेक्ट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू, तो आपको लगता है डिस्टेंस पता नहीं चलती है, ऐसा लगता है कि हम एक ग्लोबल विलेज, एक विलेज में ही है। जैसे हम अपने गांव में लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, बहुत आसानी से टच में रहते हैं, उसी तरीके से आज हम दुनिया भर में लोगों के साथ कर रहे हैं। तो इसे संज्ञा दी जाती है, इसे बोला जाता है ग्लोबल विलेज। तो ये ग्लोबलाइजेशन था। अब अगर ग्लोबलाइजेशन आपको समझ आ गया हो, तो जब ये सिचुएशन चल रही थी दुनिया भर में, ये जो ग्लोबलाइजेशन की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ कल्चर, तो इसका प्रभाव ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी में देखने को मिलेगा कि हर जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ट्रेड बैरियर्स कम होंगे। इसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ा, इवन यहाँ तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन के दौरान जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओपन हो रही थी और दुनिया भर के लोग अपनी इकोनॉमी खोल रहे थे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका प्रभाव कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ता है। तो 1980s का जब टाइम था, तो वहाँ पर एक डिबेट और डिस्कशन उभर कर आता है कि जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज था, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर था, तो उस वो इफेक्टिव नहीं रह गया था। जिस तरीके की सभी चीज़ें ओपन हो रही थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, तो उस स्थिति में, उस कॉन्टेक्स्ट पे, जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेटिक नेचर का था, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड था, बहुत ही हेरारिकल इन नेचर था, ये क्या है, उतना इफ़िशियंट नहीं रह गया था पब्लिक सर्विसेज को पहुंचाने में, डिलीवर करने में या अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करने में। तो ऐसी स्थिति में एक नए मॉडल की, नया पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़ी, और उसी न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला गया? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। गेटिंग इट? तो ये सिचुएशन का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से एक नए पर्सपेक्टिव, नए मॉडल की, एक अल्टरनेटिव मॉडल की ज़रूरत फील हुई, जिसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोला गया। अब जो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था, इसने क्या किया, जो गवर्नमेंटल फंक्शनिंग थी, जो गवर्नमेंटल ऑपरेशन था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? प्रमोशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट होगा, एश्योरिंग क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिवनेस उसकी इस्टेब्लिश होगी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो ये डेवलपमेंट हुए, जिसका एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को आपको फर्दर मिलेगा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि किस कॉन्टेक्स्ट पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के रूप में आया। गॉट इट? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब फर्दर चलते हैं कि जो ये न्यू पर्स्पेक्टिव आया था ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स, इसका जो इमर्जेंस हुआ था, वो क्या चीज आएंगी वहां पर? सो द इमर्जेंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव हैज बीन वन ऑफ द रिसेंट स्ट्राइकिंग ट्रेंड्स इन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
और इसका फोकस बेसिकली किन चीजों पे रहेगा, जो ये न्यू पर्सपेक्टिव है, इसका फोकस आपका रहेगा रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट ऑपरेशंस अलोंग द मार्केट लाइन। मार्केट आपकी कैसी चल रही थी? फ्री मार्केट चल रही थी, ग्लोबलाइज्ड मार्केट चल रही थी, राइट। ये सब जो मार्केट था वो आप देखेंगे एमएनसीज कल्चर चल रहा था। तो इस मार्केट लाइन के बेसिस पे आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑपरेशन था, गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थ्रू। पहला पॉइंट। दूसरा फोकस रहेगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, इट विल डिस्टिंग्विश द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ऑल दीज थिंग वुड बी द ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। जैसे जैसे जो मार्केट के इंडिकेशंस होंगे उनके आधार पर ये चीजें चलेंगी। पहले क्या होता था, जो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी और वही चीजें, वही पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, वही उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब गवर्नमेंट किस पर डिपेंडेंट है? मार्केट पे डिपेंडेंट है, कि मार्केट से जैसे इंडिकेशंस मिलेंगे, जिस तरीके के सिग्नल्स मिलेंगे, गवर्नमेंट उसी तरीके की पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी, उसी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करेगी। इसके बाद से जो नेक्स्ट फोकस रहेगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, वो रहेगा परफॉर्मेंस पे, कि जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन है उसकी परफॉर्मेंस कितनी इफिशियंट है, उसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे फोकस रहेगा, राइट। इसके बाद से स्ट्रेसिंग अपॉन इफेक्टिव सर्विस प्रोविजंस, वैल्यू ऑफ मनी, जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो मनी हम पे कर रहे हैं उस मनी के हिसाब से हमें उस स्टैंडर्ड की सर्विसेज भी चाहिए होगी, राइट। और जो सर्विसेज है वो इफेक्टिव होना चाहिए। एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, राइट, कि जो सर्विसेज हैं उनको अफोर्डेबल बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए और ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मेन फोकस ऑफ जो NPM है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उनका कुछ ऐसा रहेगा। तो अगर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया हो और ये समझ आया हो गया हो कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसका मेन फोकस क्या है, उसका मेन मीनिंग क्या है और उसका मेन टेनेट्स या थीम क्या है, तो अब हम समझ लेते हैं कि इसके सेलियंट फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। तो जो कोर कैरेक्टरिस्टिक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, वो क्या है? देयर वुड बी द फोकस ऑन दी प्रोडक्टिविटी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, प्रोडक्टिविटी। सो गेनिंग मोर सर्विसेज फ्रॉम लेसर रेवेन्यू। प्रोडक्टिविटी का अगर आप मीनिंग नहीं समझते हैं गाइस, तो इस तरीके से है, अगर हम इसे बहुत ही नॉर्मल गाँव के उससे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किसान के पास एक छोटा सा ये लैंड है, राइट, तो इसमें मान लीजिए वो 10 kg राइस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, 10 kg राइस इस लैंड, पीस ऑफ लैंड से। अब कहा जाए कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है इस लैंड की, तो उसमें अच्छे सीड्स यूज़ किए जाएंगे, बीज, अच्छे फर्टिलाइजर यूज़ किए जाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि इस पीस ऑफ लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब वो किसान क्या करेगा, इस फैसिलिटी के बाद 10 kg की जगह हो सकता है 20 kg जो राइस है वो ग्रो करना, प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, 20 kg राइस प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स की वजह से, जो हमने न्यू जो वैरायटी ऑफ सीड्स किए, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम, उसकी वजह से इस पीस ऑफ लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो 10 kg की जगह 20 kg राइस प्रोड्यूस कर रहा है वो किसान, तो किस जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट होगा। तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है, कि आप जो उसी पीस ऑफ लैंड या उसी, अब जब एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी का यही है कि मान लीजिए अभी एक वर्किंग डे पर 20 पासपोर्ट इशू होते हैं, तो हो सकता है हमें उस ऑफिस, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो एक वर्किंग डे पे 20 की जगह 50
पासपोर्ट इशू हो जाएंगे, राइट। इस तरीके का प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज करेंगे, और वो भी जो रेवेन्यू है, जो कॉस्ट है उस चीज़ की, वो भी रिड्यूस करेंगे। तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी। अब प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे भी कारण था कि जब मार्केट ओपन हो गई है, वहाँ पर मोनोपोली नहीं है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक प्लेयर की, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा भाई, क्योंकि इकोनॉमी ओपन कर दी है, दुनिया भर की इकोनॉमी से आपने जोड़ दिया है, तो प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, मल्टीपल प्लेयर्स उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। सिंपल से मीनिंग ये है। आपको बहुत डिटेल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में नहीं जाना है, हमें इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से समझना है। सेकंड, मार्केटाइजेशंस देखेंगे आप। मार्केटाइजेशंस में आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, मैकेनिज्म्स एंड प्रोसेस होता है, उसको मार्केट स्ट्रेटजी के साथ में लिंक किया जाता है। अभी आप देख लीजिए, आरबीआई कोई पॉलिसी बनाती है तो दुनिया भर की इकोनॉमी को देखकर बनाया जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, यूरोपियन बैंक्स क्या डिसीजंस ले रहे हैं। तो उन जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल फाइनेंस की स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे हमारे यहाँ आरबीआई भी डिसीजंस लेती हैं। तो इंटरलिंक्ड होने की वजह से मार्केटाइजेशंस होता है। इसके बाद से सर्विस ओरिएंटेशन, कीपिंग दी नीड्स ऑफ कस्टमर। सर्विस ओरिएंटेशन मतलब जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या नीड है, उस बेसिस उसको प्रायोरिटी में रख कर, मतलब सर्विस ओरिएंटेशन कि जो सिटीजन्स हैं हमें उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ये ध्यान में रखा जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पहले ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म्स एंड प्रोसेस था वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड था। अभी डिसेंट्रलाइजेशन होगा, सो ट्रांसफरिंग सर्विस डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द लोअर लेवल। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन, ये देखने को मिलेगा आपका। इन जो कोर कैरेक्टरिस्टिक है, इनके साथ साथ आपको कुछ और डिस्टिंक्ट और भी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की आप बता सकते हैं, जैसे कि मैनेजेरियल स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। इसीलिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इसे बोला जा रहा है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोला जा रहा है इसे। तो मैनेजमेंट जब वर्ड है तो मैनेजमेंट या मैनेजेरियल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। आप देखेंगे कि सीईओ कल्चर चल चुका है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीईओ होता है। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से मैनेजेरियल स्किल्स पे फोकस किए जाने लगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। फर्दर इसमें आप देखेंगे कि जो लार्जर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अब गोल्स, प्लान्स या रिक्वेस्ट, ऑटोनॉमी, इन सब चीज़ों को प्लान किया जाएगा प्रॉपरली। एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस इन बाय पब्लिक सेक्टर्स, आप देखेंगे ना कि पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर की जो मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस हैं उनको लाया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में पहले सेक्रेटरी होगा, चेयरमैन होगा, आप देखेंगे आजकल सीईओ होता है, नीति आयोग के भी सीईओ है। कैन यू लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस जो पहले प्राइवेट सेक्टर में चल रही थी उनको भी पब्लिक सेक्टर में लाया गया। इसके बाद से परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद से जो आउटपुट मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपटीशन पे, कॉन्ट्रैक्टिंग पे, ऑनरशिप में, इन सब चीज़ों पे फोकस होगा। कंपटीशन देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको जो स्ट्रेटेजिक कैपेसिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। जो सर्विसेज हैं उनको रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। इसके बाद से स्टीयरिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट रैदर देन डायरेक्ट प्रोवाइड दी, जो गवर्नमेंट है उसका रोल मैनेजमेंट या स्टीयरिंग रोल रहेगा, वो डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा। आपको पता है कि अगर अमर्त्य सेन को आपने पढ़ा होगा तो वो कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं, मतलब लोगों को कैपेबल भी बनाना होगा। आजकल स्किल इंडिया चल रहा है, राइट, स्किल्स देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट फ्री में प्रोवाइड करा दी गई, लोगों को स्किल्स भी दी जाएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल मतलब इसमें वो लिया जाएगा, इसकी हेल्प ली जाएगी टू फैसिलिटेट बेटर सर्विस डिलीवरी सिस्टम। इसके बाद से फर्दर चलते हैं हम कि कौन से फैक्टर्स थे जो इन सारी जो कैरेक्टरिस्टिक आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में देख रहे हैं ना, जो इन ये बदलाव आए, ये चेंजेस आए, तो ये क्यों हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स थे। तो पहला तो ये है कि जो गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट था या डेप्ट इंक्रीज हो रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, इनफिशेंसी थी गवर्नमेंट ऑपरेशंस पे, उसको मिनिमाइज करना था। सेकंड, नियो लिबरलिज्म का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव एक देखने को मिलेगा। न्यू लिबरलिज्म एक फैक्टर्स था जिसकी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव आया। व्हाट इज न्यू लिबरलिज्म गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि आईआर का टॉपिक है ये, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। न्यू लिबरलिज्म का मतलब है कि जो स्टेट का रोल है उसको कम करना है। स्टेट का रोल सिर्फ पुलिस मैन वॉचमैन या वॉचमैन की तरीके होगा। जो स्टेट है उसका काम है सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, सुपरवाइज करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें स्टेट क्या है, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एलोकेशन है वो गवर्नमेंट ना करके मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, राइट? तो मार्केट मैकेनिज्म में ये फ्री मार्केट पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, और यही कारण है कि इसका प्रभाव न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में भी पड़ता है, क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी मार्केट के हिसाब से होंगी, वो मार्केट पे डिपेंड करेंगी। तो न्यू लिबरलिज्म के इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सपेक्टिव आता है, जहाँ पर इफिशियंसी, मार्केट, कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर चॉइस पर की जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, वो प्रीडोमिनेंस करेंगे। देन इम्पैक्ट ऑफ न्यू राइट फिलोसफी। न्यू राइट फिलोसफी में आप देखेंगे कि एक्सेसिव रिलायंस ऑन स्टेट वॉज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, मतलब लोगों की स्टेट पे जो एक्सेसिव डिपेंडेंस थी उसको अप्रोप्रिएट कंसिडर नहीं किया जाता इस फिलोसफी में। न्यू राइट फिलोसफी क्या कहती है कि लोगों को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अभी आप देख रहे होगे ना, इंडिया में आत्मनिर्भर भारत एक पॉलिसी चल रही है, तो सी ऐसे एग्जाम्पल आप ज़रूर देना जब भी आप ऐसे कोई भी पॉइंट मिले, और करंट एग्जाम्पल देने का मौका मिले वो छोड़ना मत गाइस। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का एग्जाम्पल जरूर देना, राइट? इसके बाद पब्लिक चॉइस अप्रोच। यहाँ पब्लिक चॉइस अप्रोच में आप देखेंगे कि जो रीमॉडलिंग की गई गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की, जो रीस्ट्रक्चर किया गया गवर्नमेंट ऑपरेशन एंड फंक्शन का, उसको किस बेसिस पे किया गया, कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी के बेसिस पे। और जो एफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस है, जैसे कि मार्केट एंड डिसेंट्रलाइज सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम, इसे क्या है, इसको मेन जो था किस पे अलाइन किया गया, कॉन्सिक्वेंसेस पे, मतलब आपकी रिजल्ट गोल अचीव होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पब्लिक चॉइस या सिटीजन्स के जो डिमांड है उसके बेसिस पे। वॉशिंगटन कंसेंसस का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी एक फैक्टर के रूप में काम करता है जिसकी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट केम इन टू द पिक्चर। अब वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, तो ये वो रिफॉर्म्स को इंक्लूड करता है जो प्रमोट किए गए थे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन से। अब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस क्या है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और इन सब जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने जो इन इंस्टीट्यूशंस ने रिफॉर्म सजेस्ट किए थे उनको इंक्लूड किया गया। और इनका मेन क्या था, इन्होंने क्या प्रमोट किया था, मिनिमल स्टेट दैट रिफ्रेन्स फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटरवेंशन से। और वॉशिंगटन कंसेंसस से क्या निकल कर आता है कि हमें मिनिमल स्टेट को प्रमोट करना है। मिनिमल स्टेट का मतलब जो स्टेट के फंक्शंस हैं वो बहुत ही मिनिमम है। क्यों मिनिमम है, क्योंकि स्टेट का रोल सिर्फ कहाँ तक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने तक। गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है, यही आइडियोलॉजी तो आपकी न्यू लिबरलिज्म से भी प्रमोट की गई ना, कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है, लेजिस्फियर, गवर्नमेंट का मिनिमल रोल है।
राइट right? ये चीज तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट उभर कर आता है एक ऑल्टरनेटिव मॉडल की के कारण के जैसे। तो होप्स हो कि ये फैक्टर्स आपको समझ में आए हों जिसकी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट केम इनटू द पिक्चर। आप और भी ऐड कर सकते हैं, दीज वर सम मेजर फैक्टर। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है हमने ये समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक समझ ली, और हमने फैक्टर्स भी देख लिए जिसकी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के रूप में अडॉप्ट किया गया। अब हम देखते हैं कि जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अडॉप्ट कर लिया गया तो इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है यूनाइटेड किंगडम का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है सिंस 1979। और आप देखेंगे कि वहाँ पर थेचर गवर्नमेंट है, वहाँ पर इसे थेचर रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कुछ की रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे यूनाइटेड किंगडम में। इसी तरीके से जॉन मेजर आएंगे, वो 1991 में जो मार्केट क्लोजर टू द स्टेट सिटीजन चार्टर को शुरू करेंगे। सिटीजन चार्टर अगर आपको ना पता हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स चार्टर, जो सिटीजन चार्टर है बेसिकली एक तरीके से ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था उसका ही एक रिजल्ट था। और सिटीजन चार्टर में कुछ प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट किया गया जो सिटीजन सेंट्रिक थे, जो नागरिक है उनको उनको ध्यान में रखकर उनके हिसाब से ये चीजें बनाई गया। तो सिटीजन चार्टर्स में मेन फोकस किसका मेन जो एक्टर्स हैं वो कौन है, सिटीजन्स हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए सिटीजन चार्टर में जिससे कि सिटीजन्स को सर्विसेज और बेहतर प्रोवाइड किया जा सके। तो जैसे कि ओपननेस, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन। इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, सिस्टम को ओपन बनाने के लिए किया गया है ना, कि आपको जो सिटीजन्स को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो गेन कर सकता है तो एक आरटीआई दायर करके। तो ये क्या है, गवर्नमेंट को ओपननेस बनाता, ओपन बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो ओपननेस, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, रिड्रेसल, अगर कोई इश्यू है सिटीजन चार्टर का, आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट उठाकर देख लो या कोई भी ई कॉमर्स साइट की वेबसाइट देख लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या गवर्नमेंट की कोई साइट देख लो आप, उन सब में बोला जाता है ना, एक सेगमेंट देखते होंगे वहाँ लिखा लिखा जाता है कॉन्टैक्ट अस। मतलब अगर आपको कोई इश्यू है हमारी सर्विस के रिगार्डिंग में, हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में, तो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म रहती है कि आप हमारे अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर केयर जैसे होता है ना, वैसे ही आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको आपकी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे। जोमैटो, स्विगी, आपने सबने यूज किया होगा, उसमें होता है ना रिड्रेसल मैकेनिज्म, वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप उनसे बात करते हो, चाहे वो रिफंड को लेकर हो, चाहे वो डिलीवरी लेट के लिए हो, या गलत प्रोडक्ट को डिलीवर करने का हो। तो ये सब क्या है, रिड्रेसल मैकेनिज्म में आता है। तो सिटीजन चार्टर जब से आया इसके बाद से जो कस्टमर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के को लेकर जो बहुत सारे चेंजेस आए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आई, उसमें अकाउंटेबिलिटी आई, उसमें ओपननेस आया, रिड्रेसल आया, ये सारे फैक्टर्स आए। तो आप देखेंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जब ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनता है तो जो रेड टेपिज्म है वो रिड्यूस होता है। रेड टेपिज्म क्या, किसे कहा जाता था, जो ब्यूरोक्रेसी का सेंट्रलाइज्ड नेचर था उसे रेड टेप कहते थे, रेड टेपिज्म का टैग दिया जाता था। जो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत ही रिजिड ब्यूरोक्रेसी थी, एकदम रूल्स एंड नॉर्म्स के बेसिस पे चलते थे, इसे दूसरा नाम इंस्पेक्टर राज भी दिया जाता था। तो इसको रिड्यूस करता है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। तो बट ऑब्वियस है ना, रेड टेपिज्म, इंस्पेक्टर राज, ये क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर जो कस्टमर्स या सिटीजन्स हैं उनको पहले टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ फंक्शनिंग देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट की भी लेंगे, जो रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स है, वो लेंगे।
प्राइवेटाइजेशन, मार्केटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डाउन साइजिंग, ये सब आपको एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा। डाउन साइजिंग में ही तो बोला जाता है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये टैगलाइन रहता है। तो इस अब ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर दो कि इंडियन पीएम मोदी ने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे फेथ रखते हैं, बिलीव रखते हैं, हम इसको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कैबिनेट या ब्यूरोक्रेसी को डाउनसाइज किया जाएगा और जो उनके फंक्शंस हैं उनको बढ़ाया जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, राइट? तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर देना गाइज एग्जाम में, मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रही हूँ। तो क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिले कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जाने पर प्रभाव पड़ा, मार्केटाइजेशन पे प्रभाव पड़ा, सर्विस ओरिएंटेशन पे प्रभाव पड़ा, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, एक्सेसिबिलिटी आती है, ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इसके प्रभाव समझ में आ गए हों तो हम फर्दर इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं ही होगा, कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया तो मतलब हम एक स्वर्ग में रहने लग जाएंगे, राइट? हमारी जो दुनिया है वो हेवन बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ नकारात्मक निगेटिव प्रभाव भी पड़ेंगे क्योंकि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्स क्या थे, इसके निगेटिव प्रभाव क्या पड़े। तो सी, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, क्लैश ऑफ वैल्यूज। विच काइंड ऑफ वैल्यूज? आपको पता है कि जो पब्लिक सर्विसेज थी, जो वेलफेयर स्टेट था, वो क्या था, इम्पार्शियल, इक्वालिटी, जस्टिस, इन चीजों पे फोकस करते थे। लेकिन जब मार्केट ओरिएंटेड चीजें आ जाएंगी, जब चीजें मार्केट ड्रिवेन होंगी, तो वहां पर क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होगा। अब कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम इक्वालिटी और जस्टिस पे ध्यान नहीं देंगे। तो जो इक्वालिटी एंड जस्टिस जैसे वैल्यू थे वो क्या होंगे, डिग्रेड होंगे। क्यों? क्योंकि अब हर कुछ मार्केट ड्रिवेन है। जब मार्केट ड्रिवेन है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के चक्कर में क्या करेंगे, वो जस्टिस देने को थोड़ी ना देंगे, राइट? तो ये इस जो वैल्यू, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आता है, चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैनेजेरियल प्रीडोमिनेंस ओवर पॉलिसी कैपेसिटी, मतलब जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे मेन फोकस कहाँ किया गया, मैनेजेरियल स्किल्स पे, और इसने क्या किया, डिग्रेड किया जो पॉलिसी कैपेसिटी थी उसकी, उसको सीईओ कल्चर हो गया, ये सारी चीजें। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जो प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, जो सर्विस में लेटरल एंट्री, आप अभी देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कि मतलब हम प्राइवेट सेक्टर से जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट है उनको बुलाएंगे और उनको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ सालों के लिए पब्लिक सेक्टर पे रखेंगे। तो बेसिकली कुछ सेक्शन ऑफ पीपल है, उनका कहना है कि ये अंडरमाइन करेगा देयर कैपेसिटी टू रेंडर इफेक्टिव पॉलिसी एडवाइस टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट? हालांकि ये एक अलग मुद्दा है कि जो लेटरल सर्विसेज हैं, लेटरल एंट्री है सिविल सर्विसेज में, वो अच्छी है या खराब है, हम एक अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये मुझे कॉमेंट में बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये। देन फर्दर चलते हैं कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब हर चीज़ जब मार्केट ड्रिवेन है तो जो सिटीजन्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी हो पाता है। क्या गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, क्या गवर्नमेंट अब वेलफेयर गवर्नमेंट रह सकेगी नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो मार्केट ड्रिवेन पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो लेजिटिमेट है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस उठते हैं। देन एब्सेंस ऑफ क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब हर चीज़ मार्केट ड्रिवेन है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती, एवरीथिंग वुड बी लाइक मार्केट गिर गई, मार्केट जो मार्केट है वो डाउन है इसलिए ऐसा हो रहा है, इकोनॉमी का स्टेटस ये है,
एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा लोगों के पास, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी रेट दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा कि मार्केट का ये हाल है, इस वजह से ऐसा है। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो। प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ना कॉमन गुड, जो सोशल जस्टिस एंड इक्विटी था, उसको साइडलाइन किया जाता है, निगेट किया जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है, ये एक निगेटिव साइड है इसका। सिटीजन्स वर्सेस कस्टमर ओरिएंटेशन, तो जो सिटीजन्स हैं उनको अब कस्टमर के तरीके ज़्यादा ट्रीट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू सिटीजन, जो मैनेजमेंट वाला चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स क्या हैं, वो कस्टमर्स हैं, और कस्टमर के तरीके, अब जब कस्टमर के तरीके ट्रीट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोफेशनलिज्म होगा, राइट। तो जब प्रोफेशनलिज्म होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को ज़्यादा दिमाग में रखेंगे, ना कि सिटीजन्स के गोल को। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन था इसका। अब कंक्लूड करते हैं गाइस अपने आंसर को, कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए एक मैनेजमेंट टूल की तरीके से उभर कर आता है, जिसमें से स्टेट का जो रोल है उसको कम किया जाता है और सारी चीज़ें मार्केट ड्रिवन होती हैं। तो आप देखेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये न्यू मॉडल था, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्पफुल रहा है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े हैं। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, और अगर हम उन नकारात्मक प्रभाव, जो निगेटिव थिंग्स हैं, उनको दूर करने में सक्षम हो पाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये हमारा जो नया लेक्चर होगा वो रहेगा कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से वो कैसे डिफरेंट है, ये देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कॉमेंट में डालना, और यस कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।